तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग। आज बात करेंगे SSB। जी हां, SSB का नोटिस चल रहा है, वो नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में क्या है, सब कोई नोटिस पर वीडियो बना दिया है। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो नोटिस का निचोड़ हम आपको बताएंगे। नोटिस में क्या है, A to Z आपको जानकारी देने वाले हैं। नोटिस निकालने का रीजन क्या है SSB का, चलिए देर ना करते हुए शुरू करेंगे आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट जानकारी होगी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं SSB की। देखिये, SSB का जो है नोटिस वैकेंसी 2024 में आ गया है, आपको कल ही के डेट में आपका नोटिस जारी हुआ है। नोटिस में क्या है आपको पहले बता दूं, उसमें कुछ चेंजिंग किए गए हैं। क्या चेंजिंग किए गए हैं वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, जो आपके पोस्ट थे 693 पोस्ट का अलग बात हो गई। इसमें देखिए, SI चाहे हेड कांस्टेबल, चाहे ASI, चाहे असिस्टेंट ट्रेडमैन, चाहे ASI यानी टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन, जितने भी आप लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है, उसका अब शॉर्टलिस्ट करेगा। उसमें कुछ चेंजिंग किया है, बहुत जल्द आपको रिजल्ट जारी करने वाला है SSB। तो आप रेगुलर जाके साइट पे विजिट कर सकते हैं और यदि हमारे चैनल पे अगर जुड़े हैं तो आपको अपडेट हम दे देंगे अपने चैनल के माध्यम से। अब जो बच्चे को एग्जाम में शॉर्टलिस्ट करेगा ना, तो 20 गुना बच्चे को शॉर्टलिस्ट करेगा, ठीक है ना, 20 गुना बच्चे को जब बुलाएगा उसमें से आपका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। पहले कितना था ये, 15 गुना था, ठीक है, 15 गुना था। पहले का नोटिफिकेशन जो दिया था नोटिस के हिसाब से 15 गुना बच्चे को बुलाना था आपके स्किल और ट्रेड टेस्ट के लिए। अब 20 गुना बच्चे को बुलाएगा स्किल और ट्रेड टेस्ट के लिए। नोटिस में देखिएगा, साफ साफ लिखा है, नोटिस आपको दिखा देते हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए 20 गुना बच्चे को बुलाएगा। अब उसमें से क्या करेगा, जब 20 गुना बच्चे को जब बुलाएगा उसके बाद जो बच्चे ट्रेड वगैरह जो पास करेंगे तो उनका क्या होगा, DB होगा, ठीक है ना, DB, DME और RME यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और रीमेडिकल। अब इसके लिए जो बच्चे को शॉर्टलिस्ट करेगा, तो पहले कितना करना था, देखिए सबका है, पहले 3 गुना बच्चे को करना था, कितना करना था, 3 गुना बच्चे का करना था। अब क्या किया है, इसमें चेंजिंग किया है, उसी का नोटिस जारी हुआ है आपके SSB के साइड पे, ठीक है। तो नोटिस कैसे डाउनलोड करना है हम आपको बता देंगे। तो देखिए, 3 गुना बच्चे को बुलाना था, अब उसको बदली करके क्या किया, चेंजिंग करके आप 5 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और रीमेडिकल के लिए, ठीक है। तो ये जो नोटिस जो हुआ है, जो निकला है, उसी पे आधारित ये नोटिस है, कुछ चेंजिंग किया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जो आपके सब इंस्पेक्टर, पायलियर, डॉक्यूमेंट, कम्युनिकेशन स्टाफ, नर्स के लिए आपको साफ साफ हमने लिख रखा था पहले ही, 3 गुना बुलाना था और लेकिन अब 5 गुना बुलाया जाएगा। हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, मैकेनिक, ठीक है, स्टेवार्ड, वेटनरी और कम्युनिकेशन के लिए भी 5 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा, 5 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं ASI, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर, टेक्नीशियन डेंटल और स्टेनोग्राफर का भी 3 गुना से बढ़ के 5 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। और सिटी ट्रेडमैन, ठीक है ना, कस्टमर ट्रेडमैन की जैसे बुक हो गया, सफाई कर्मचारी, वाटर के लिए जो भी है, ठीक है, तो उनका क्या था, 15 गुना बच्चे को बुलाना था DB वगैरह के लिए, लेकिन 20 गुना आपको बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट वगैरह जो भी है होने वाला है आपको, ठीक है। उसके बाद SI स्टेनोग्राफर के लिए भी 15 था आपको, स्किल टेस्ट टाइपिंग के लिए भी आपको पहले बता दिया 20 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। लेकिन जब आप सारे अपना ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट पास कर जाते हैं तो आपको 5 गुना बच्चे को DB और DME और RME के लिए RME के लिए बुलाया जाएगा, आपको इतने बच्चे को बुलाया जाएगा। तो इसमें आपको एक बेनिफिट यही हो गया कि जो बच्चे ज्यादा बाहर होते उसमें 2% और बच्चे को यानी मौका मिल गया कि आपको DB और DME में आने के लिए, यानी टोटल सीट आपकी 693 थी, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 3465 बच्चे को DB, DME और RME के लिए बुलाया जाएगा। नोटिस का साफ साफ तौर पे यही
दर्शाया गया है वही दिया गया है। तो नोटिस आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलते हैं आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए, आपको नोटिस देखने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे या क्रोम पे। आने के बाद सिंपली आपको यहाँ टाइप करना है आपको, ठीक है, सिंपली आपको टाइप करना है क्या है, ssb.nic.in पे। जो ही आप टाइप करेंगे इस, तो सिंपली आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है, देख पा रहे हैं हमने जो टाइप किया था। अब देखिए आपको यहाँ आना है सिंपली इस साइड पे SSB का, ठीक है ना, SSB रिक्रूटमेंट, ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट साइड है उस पर आना है और सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट देखिए लॉगिंग हो जाएंगे आप SSB के साइड पे, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट, सशस्त्र सीमा बल भर्ती, गृह मंत्रालय। अब रहेगा नोटिस कहाँ देखना है, तो देखिएगा आप यहाँ सिंपली आपको यहाँ नोटिस चल रहा है, ठीक है ना, आपको रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ SI ASI SC CT नॉन GD और रिजल्ट पोस्ट अंडर स्पोर्ट्स कोटा का भी आपको आ गया, स्पोर्ट्स कोटा वाले का भी आ गया। तो यहाँ आके सिंपली आप अपना देख सकते हैं नोटिस जो आया है, अभी आपको क्लिक करके दिखाएंगे और इसमें जो भी नया आपका अपडेट जो होता है इसी साइट पे आपको देखने को मिलेगा। अब आपको दिखाते हैं कैसे आपको देखना है, तो सिंपली ये जो स्क्रॉल करके चल रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ सिंपली आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए सिंपली लिखा है नोटिस कैलेंडर, आपको सिंपली क्या करना है, नोटिस कैलेंडर पे क्लिक कर देना है। नोटिस कैलेंडर पर जो ही क्लिक कर देते हैं तो यहाँ ऑलरेडी देखिए लिखा है कॉन्ग्रेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ SI हेड कांस्टेबल और ट्रेडमैन का जो भी नोटिस निकल के आया, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, क्लिक पर करना है और आपको देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। अब जो हमने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था सेम नोटिफिकेशन आपको इसके साइट पर देखने को मिल जाएगा और ये 28 तारीख को जारी किया गया है, ठीक है। तो आप नोटिस देख लिए, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं या नोटिस को हमने स्क्रीनशॉट पर दे दिया है वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों ने नोटिस देख लिया कैसे डाउनलोड करना है और आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्दी साइट पे अपलोड कर दी जाएगी और मार्च महीने में आपकी सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटी को प्रेस कर दे, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।